4 फरवरी 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच इसी तारीख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इसी टेस्ट मैच में पाकिस्तान की दूसरी पारी में अनिल कुंबले ने 10 विकेट लेकर एक अनोखा कीर्तिमान रचा था। कुंबले के इस बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारत ये मैच 212 रनों से जीतने में कामयाब हुआ था। कुंबले के अलावा भारत की इस जीत का एक और नायक था जिसने अपनी बल्लेबाजी से भारत की इस जीत में बड़ा योगदान दिया था। दुबले पतले बाएं हाथ के बल्लेबाज का नाम है सदगोपन नमेश। वो सदगोपन नमेश जिसने अपने पहले ही सीरीज में वसीम अकरम, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक जैसे दिग्गज गेंदबाजों का डटकर सामना किया था और उनके सामने खूब रन बनाए थे। वो सदगोपन नमेश जिसके इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआती प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा था। आज के इस वीडियो में हम आपको सदगोपन नमेश के प्रारंभिक जीवन और क्रिकेटर से एक्टर बनने तक के सफर के बारे में बताएंगे। सदगोपन नमेश का जन्म 13 अक्टूबर 1975 को भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। बचपन से ही रमेश का मन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेल कूद में लगता था। जब रमेश 10 साल के हुए तब उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया। विश्व क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज अपनी पहचान बनाने वाले रमेश शुरुआत में एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। तमिलनाडु की अंडर 13 टीम में सेलेक्ट होने के लिए उन्होंने ट्रायल मैच में शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन फिर भी उनका चयन अंडर 13 टीम में नहीं हो पाया और इससे तंग आकर उन्होंने अपने इस फैसले को बदल कर स्पिन गेंदबाज बनने का फैसला किया। अपने इस फैसले पर रमेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तेज गेंदबाज बनने में बड़ी मेहनत लगती है और जब इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें तमिलनाडु के अंडर 13 टीम में पिक नहीं किया गया तब वो निराश हो गए और इसी वजह से उन्होंने स्पिनर बनने का फैसला किया। कुछ समय बाद रमेश का बतौर ऑफ स्पिनर तमिलनाडु की अंडर 16 टीम में चयन हो गया। वक्त के साथ रमेश के खेल में और सुधार होने लगा और वो अपनी टीम के लिए एक स्पिन ऑलराउंडर की हैसियत से खेलने लगे। इसके बाद रमेश के साथ एक क्लब मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण रमेश स्पिन ऑलराउंडर से एक स्पेशलिस्ट ओपनर बन गए। दरअसल उस मैच से पहले रमेश की टीम के एक सलामी बल्लेबाज चोटिल हो गए और टीम के सामने पारी की शुरुआत किससे करवाई जाए ये समस्या पैदा हो गई। कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने रमेश पर भरोसा जताया और उन्हें ओपनिंग करने के लिए भेज दिया। रमेश को ओपनिंग रास आ गई और उस मैच में उन्होंने ओपनिंग करते हुए 196 रन की पारी खेल डाली। वर्ष 1995 में हैदराबाद की टीम के खिलाफ रमेश ने अपना रणजी डेब्यू किया। इस मैच में रमेश ने पहली इनिंग में 61 और दूसरी इनिंग में 132 रन की पारी खेलकर अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच को यादगार बना दिया। फिर आने वाले समय में रमेश घरेलू क्रिकेट में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन 1998 और 99 का रणजी सीजन रमेश के लिए बेहद खास रहा। इस साल रमेश ने रणजी मैचों में 52 की औसत से रन बनाया। इसी दौरान पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आ रही थी। इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज सिद्धू ने अचानक क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। सिद्धू के संन्यास और घरेलू क्रिकेट में रमेश के अच्छे प्रदर्शन ने उनके लिए इंडिया टीम के दरवाजे खोल दिए। रमेश को पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए इंडियन टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज शामिल कर लिया गया। ये वो समय था जब सचिन और गांगुली की जोड़ी ने वनडे क्रिकेट में ओपनिंग का जिम्मा पूरी तरह से संभाल लिया था। रमेश ने अपना टेस्ट डेब्यू 1999 में पाकिस्तान टीम के खिलाफ अपने घरेलू मैदान चेपॉक में किया था। इसमें रमेश ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और 43 रन बनाए थे। मैच खत्म होने के बाद रमेश की बल्लेबाजी से कप्तान अजहरुद्दीन काफी खुश हुए थे। जब पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद रमेश पवेलियन लौटे तब अजहरुद्दीन ने रमेश को गले लगाकर कहा। उन्होंने आज तक किसी युवा खिलाड़ी को वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे गेंदबाजों को इतनी अच्छी तरह से खेलते हुए नहीं देखा। उसके बाद दिल्ली में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में रमेश के खेल में और ज्यादा निखार देखने को मिला। रमेश ने इस टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 60 और दूसरी इनिंग में 96 रन की पारी खेलकर भारत की इस जीत में बड़ा योगदान दिया। अपने करियर के दूसरे टेस्ट मैच में वसीम अकरम, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक जैसे गेंदबाजों के सामने रमेश ने जिस अंदाज में पारी खेली थी वो वाकई में तारीफ के काबिल है। लेकिन इतना बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भी
इस टेस्ट मैच को सिर्फ और सिर्फ अनिल कुंबले के लिए याद किया जाता है। दरअसल फिरोज शाह कोटला में खेले गए इसी टेस्ट मैच में कुंबले ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था। कुंबले की शानदार गेंदबाजी के सामने रमेश का प्रदर्शन फीका पड़ गया। आपको बता दें, रमेश इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। दो मैचों की इस टेस्ट श्रृंखला में रमेश ने 51 की औसत से 204 रन बनाए थे। पाकिस्तान के बाद रमेश ने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी खूब रन बनाए। टेस्ट मैचों में बेहतरीन खेल दिखाने के बाद रमेश को भारत की वनडे टीम में भी जगह मिल गई और वनडे में भी रमेश ने कुछ कमाल की पारियां खेली, जिसमें 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजा में उनके द्वारा खेली गई 82 रन की पारी शामिल है। रमेश 1999 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। इस वर्ल्ड कप में 5 मैचों में रमेश ने 28.80 की औसत से 144 रन बनाए थे और उच्चतम स्कोर था 55 रन, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था। टेस्ट मैचों की तरह रमेश वनडे में उस तरह की प्रभावशाली से रन नहीं बना सके। ऐसे में रमेश का करियर धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ने लगा और इनका वनडे करियर 1999 मार्च महीने से शुरू हुआ और अक्टूबर में खत्म हो गया। फिर साल 2008 में रमेश ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तदगोपर रमेश ने अपने इंटरनेशनल करियर में भारत के लिए 19 टेस्ट और 24 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने टेस्ट मैचों में 37.90 की औसत से 1367 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 143 रन रहा है, जबकि वनडे में उन्होंने 28.08 की औसत से 646 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 82 रन रहा है। क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद सदगोपन रमेश ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाया। उन्होंने 2008 में बतौर लीड हीरो तमिल मूवी मोटा पट्टी में उन्होंने रोल किया, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। अब तक के अपने फिल्मी करियर में रमेश ने तमिल के बड़े सुपरस्टार कलाकारों के साथ काम कर चुके थे, जिसमें उन्होंने जेनेलिया डिसूजा, प्रकाश राज, शयाजी शिंदे जैसे कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। तो ये थे भारत के पूर्व क्रिकेटर सदगोपन रमेश, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में खूब नाम कमाया। तो कैसी लगी हमारी ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और यदि आप इसी तरह की वीडियोस से दिलचस्पी रखते हैं तो अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की क्रिकेट जगत से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।